महबा मुफ्ती साहिबा से पूछना चाहता हूँ, जब वो बानहाल में आई, जब हमने प्रोग्राम किया, तो शायद वो मुझे जानती है, अच्छी तरह जानती है, इंट्रोडक्शन भी है, सब कुछ है। उसने हमें बोला था कि ये वो पार्टी अब नहीं रही है, हमें कुछ गलतियाँ हो गई है, हम वो गलती सुधारेंगे। लेकिन मैं मैडम जी से, मैं मैडम से, मैडम महबूबा जी से कहना चाहता हूँ, क्या एक वर्कर को ऐसे ही कहा जाता है कि जब मुफ्ती सैयद की शादी होगी उस दिन मैं आपको फ़ोन करूँगा? क्या मैं मैडम जी से यही क्वेश्चन करता हूँ, क्या पीडीपी का मंशूर अब यही रहा है? क्या पीडीपी इतनी बदल गई है कि अब एक वर्कर, एक ओहदेदार को ये कहा जाएगा कि मुफ्ती सैयद की जब शादी होगी तो उस दिन मैं तुमको फ़ोन करूँगा? मैं मैडम से एक सवाल करता हूँ, मगर मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए। मधवानी जोनल पीडीपी जोनल प्रेसिडेंट बानिहाल, मेरे साथ अब्दुल मजीद नायक साहब हैं, ब्लॉक प्रेसिडेंट बानिहाल, साथ में बशीर अहमद बैठे हैं, ये है जोनल सेक्रेटरी बानिहाल, साथ में हमारे मोहम्मद इकबाल वानी साहब है, ये हमारे ब्लॉक सेक्रेटरी बानिहाल, और साथ में हमारे बैठे इस्माइल साहब, हमारे सीनियर वर्कर हैं। और मैं बड़े, मतलब मुझे बहुत तकलीफ़ होती है ये बात कहने में, मैं बड़े दुख के साथ ये बात कहता हूँ। मुझे हकीकत में, हकीकत ये है कि मेरा दिल नहीं कहता कि मैं ये बात आपके सामने शेयर करूँ, लेकिन क्या करूँ, मजबूरी है। आज मैं इस तमाम अपने, मतलब जोन कमेटी और ब्लॉक कमेटी के हमरा पार्टी से और अपने ओहदे से दस्तबरदार हो जाता हूँ। किस पार्टी से? पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से, क्योंकि हम अरसे 20 साल से इस पार्टी के साथ मुंसलिक है। हमने उस वक्त पीडीपी को वोट दिया है जिस वक्त यहाँ पीडीपी का नामो निशान नहीं था। जब पीडीपी बनी 2002 में, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने यहाँ रोनियाल साहब को, बाहर हमारे रोनियाल साहब को कैंडिडेट उतारा। हमें पता था, हमें मालूम था कि ये नहीं इलेक्शन जीत सकता है, लेकिन फिर हमने पार्टी के लिए उसको वोट दे दिया, क्योंकि हमें पार्टी की हमदर्दी थी, हमने यहाँ पार्टी को लाया। फिर 2008 में दोबारा पार्टी ने लॉन्च उसी को किया, बाहर रोनियाल साहब को, फिर भी हमें उस टाइम पता था कि ये नहीं जीतेगा, लेकिन हमें पार्टी की इज्जत बचाने के लिए, कि हमें पार्टी की हमदर्दी थी, हमने फिर भी उसको वोट दिया। तो बदकिस्मती से हमारी पार्टी जो है वो लीडर बदलते रहे, लेकिन हम वर्कर जहाँ थे वहीं हम रह गए। उसके बाद 2014 में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने यहाँ बशीर अहमद रोनियाल साहब को उतारा, जो बहुत अच्छे आदमी थे, बहुत, मतलब हम उसकी तब भी इज्जत करते थे और आज भी इज्जत करते हैं, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आगे भी इज्जत करते रहेंगे, क्योंकि वो एक ऐसा शख्स था जो, जिसको वर्करों की हमदर्दी थी। तभी से हम आज अरसे 2014 में हम उससे मिले थे, लेकिन आज 2024 तक हम बराबर उसके रابطے में, क्योंकि उसको पता है कि एक वर्कर क्या होता है। मुफ्ती साहब कहते हैं कि वर्कर पार्टी की जान होती है, लेकिन आज की जो क़यादत है यहाँ, इसने जान ही ख़त्म कर दी, क्योंकि जब एक वर्कर की कोई अहमियत नहीं मिली तो पार्टी फिर किस काम की रही। उसके बगैर हमने जहाँ, जब यहाँ इलेक्शन हुआ, कोई बलबीर सिंह एक कैंडिडेट आया, मैं खुद उसका एजेंट रहा बनकूट में, उस टाइम बनकूट अपनी पंचायत में, उसको वोट दिया। उसके बाद इन्होंने पार्लियामेंट इलेक्शन के लिए अरशद मलिक साहब को उतारा, उस वक्त भी मैं एजेंट रहा अपनी पोलिंग स्टेशन से, और फिर और मैं और गुलाम रसूल वहाँ बटूत में गए, कुठवा में गए, वहाँ पोलिंग काउंटिंग एजेंट के लिए, हमने पार्टी के लिए खून दे दिया है, हमने पार्टी के लिए गालियाँ खाई हैं, हमने पार्टी को ज़िंदा रखा है, यहाँ 20 साल से हमने पार्टी को ज़िंदा रखा। और उसके बाद जब 2019 का दौर आया, जब यहाँ आर्टिकल छीना गया, तो यहाँ एक, उसके बाद यहाँ मैडम का जलसा हुआ, इधर कोई, मतलब कोई नामो निशान नहीं रहा। उसके बाद यहाँ रोनियाल साहब की क़यादत में यहाँ पीडीपी मुतहरिक थी, तो यहाँ पूरी क़यादत ने यहाँ रिज़ाइन कर दिया, जिसमें जोनल प्रेसिडेंट था, जिसमें सब कुछ, मतलब पूरी क़यादत, उस वक्त कोई नाम लेने वाला नहीं था। फिर उसके बाद मैडम का यहाँ दौरा हुआ, मैंने अपने चंद साथियों के हमरा, ये इकबाल साहब है और ये बशीर साहब है, ये मजीद साहब, दो चार बंदे जमा हो गए, और मुझे खुदा गवाह है, हमने अपने कंधे पर वो सोफे उठाए हैं, हमने कुर्सियाँ उठाई कंधे पर, और मैडम का जलसा हमने कामयाब कर दिया। और उसमें कुछ मुकामी सियासतदान थे जो रात को मिलने, मतलब दिन में किसी को मिलने की हिम्मत नहीं थी उस वक्त पीडीपी प्रेसिडेंट के साथ, लेकिन बाद में क्या हुआ, उसका बदला हमें और ही कुछ मिला। फिर उसके बाद शान साहब ने एंट्री की यहाँ पीडीपी में, हमने दो साल से हम शान साहब के साथ रहे, शान साहब के लिए हमने अपने आप को वक्फ किया, हमने अपना टाइम दिया, हमने उसका प्रचार किया, हमने उसके लिए क्या, मतलब कुछ भी हमने नहीं छोड़ा जी हमारे से, और हम दयानतदारी से कह रहे हैं, मैं खुदा को हाजिर नाजिर कहकर कहता हूँ कि हमें आज तक भी, मतलब किसी पार्टी, हमने कोई बेईमानी पार्टी के साथ नहीं की थी।
मतलब ना हमें किसी और पार्टी से रब्ता था, हम सिर्फ पीडीपी में थे और पीडीपी में रहना चाहते, जबकि उसके इर्द गिर्द जो आदमी है, मैं उनका नाम नहीं बताना चाहता हूँ, जो उसके सलाहकार हैं, जो उसके मीडिया जो उसके एडवाइज़र हैं, पता नहीं उसको क्या क्या बोलते रहे, वो फलानी वो उस पार्टी में चले गए हैं, वो इस पार्टी में चले गए हैं, लेकिन वो उनकी सुनता रहा, क्योंकि उन्होंने पहले ही दो चार पार्टियां चेंज की हैं, कभी एक पार्टी में, कभी दूसरी पार्टी में, तो फिर दोबारा पार्टी में वापस आना। और आज शान साहब के इर्द गिर्द जो हैं वो या तो एक महीने से उन्होंने ज्वाइन किया है, या तो वो दो चार पार्टियों से आए हैं, तो उन्हीं की बात वो सुनता है। लेकिन जो पुराने वर्कर हैं, ये मजीद साहब हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं, हमारे साथ उनका कोई रब्ता नहीं है। जब हमारे एक हमारे ये बशीर साहब हैं, एक दिन मीटिंग हो रही थी खड़ी में, वहाँ ऑफिस की इनॉग्रेशन थी, तो वहाँ से लोगों को बुलाया गया, वहाँ से गूल से लोग आए, वहाँ नील से लोग आए, वहाँ पोगल से लोग आए गए। जब हमने वो वीडियो देखा तो, लेकिन बानहाल वालों को इसने पूछा नहीं। फिर हमारे बशीर साहब ने उससे पूछा, फ़ोन किया, सर अगर हमें भी बताते हम भी हाथ बजाते, हम भी आते। लेकिन बशीर साहब को उसने जवाब किया था, बोला मैं मुझे कहाँ लड़के की शादी में तुमको बुलाता है, क्या ये एक लीडर की लैंग्वेज होती है, एक वर्कर के साथ और वो अहदेदार के साथ। उसके बाद परसों की बात है, जब उसने ये वो नामिनेशन फॉर्म दाखिल किया तो हमें नहीं बुलाया गया, हमको नहीं बुलाया गया, गूल वालों को बुलाया गया, पुगल वालों को बुलाया गया, मुख्तलिफ लोगों को बुलाया, लेकिन हमें नहीं पूछा गया। फिर हमारा एक वर्कर है जो भी अहदेदार है, जब उसने उससे रब्ता किया, बोला सर हमें भी फ़ोन करते कि हम भी आते थे वहाँ, तो उसमें क्या बदकिस्मती में बोल समझूँ या क्या समझूँ, तो ये मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है। उस वक्त मोहतरम शान साहब ने उसको क्या जवाब दिया, बोला जब मुफ्ती साहब की शादी होगी उस वक्त मैं आप लोगों को फ़ोन करूँगा। क्या मुफ्ती साहब को दोबारा शादी करेगा, वो दोबारा शादी करेगा, एक मरे हुए इंसान को दोबारा शादी करेगा, और वो भी पार्टी का एक मतलब सरबरा रह चुका है, उसी पार्टी के साथ मुंसलिक है, तो ऐसी लैंग्वेज मुझे नहीं। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ जो इस वक्त शान साहब के इर्द गिर्द हैं, जो कल से ज्वाइन हुए हैं, या दो चार पार्टी से आकर ज्वाइन हुए हैं, या उनका क्या क्या है क्या नहीं है, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, उनसे सवाल कहना चाहता हूँ, क्या ये शान साहब की लैंग्वेज सही थी। मैं उन लोगों से पहले सवाल करता हूँ, क्या शान साहब ने ये बात सही की कि मुफ्ती साहब को जब मुफ्ती साहब नहीं बोला, मुफ्ती सैयद, जब मुफ्ती सैयद की शादी होगी तो मैं उस दिन तुम लोगों को फ़ोन करूँगा, क्या ये एक लीडर की लैंग्वेज ऐसी होती है, वो भी एक वर्कर के साथ, अहदेदार के साथ। हमें नहीं लगता है कि हमारे लिए इस पार्टी में कोई जगह है। हम बड़े दुख के साथ ये मैं कहता हूँ, मुझे दिल नहीं कहता था ये कहने को, लेकिन कहना पड़ा कि मैं आज अपने तमाम साथियों के हमरा इस पार्टी को अपने ओहदे से भी मुस्तफ़ी हो जाता हूँ, और पार्टी की बेसिक मेंबरशिप से भी इस्तीफा देता हूँ। किसी पार्टी में जुड़ने का इरादा है आपको, फर्दर और सब एक्शन आप लोगों का क्या रहेगा? नहीं देखो, हम अपने साथियों से बात मशवरा करके फिर देखेंगे हम किस पार्टी में जाएंगे, लेकिन अभी हमें हमारा कोई प्रोग्राम नहीं कहीं जाने का। हम अपने साथियों से सलाह मशवरा करेंगे, उसके बाद ही हम देखेंगे कहाँ जाएंगे।